हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनाश और आप देख रहे हैं एसपी टेक प्रो। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप आपके पीसी या फिर लैपटॉप में जो है वो एंड्रॉयड ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। आज मैं जिस एंड्रॉयड ओएस की बात करने वाला वो रिमिक्स ओएस है। रिमिक्स ओएस को आप किस तरह से आपका पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे आपका पीसी जो है वो आप एंड्रॉयड बना सकते हैं। तो चलिए, इसका प्रोसेस जो है वो मैं आपको पीसी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। रिमिक्स ओएस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको रिमिक्स ओएस डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप सामने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ये जो जिप फोल्डर है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका साइज जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तकरीबन 1.2 GB का एक फोल्डर है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक जिप फोल्डर है तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें यहाँ पर दो फाइल मिलेगी। दो फाइल में से एक फाइल जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिक्स इमेज है और दूसरा जो है वो एप्लीकेशन है जो कि हमें रन करना है। तो मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करता हूँ और यस कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशन सेटअप को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ISO फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ ब्राउज बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिक्स इमेज है ये हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी है। रिमिक्स ओएस को कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं इसे आपको चूज़ करना होगा। जैसे कि आप हार्ड डिक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और USB ड्राइव में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली हार्ड डिक्स सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपको जो ड्राइव में इसे इंस्टॉल करनी वो ड्राइव आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर डी ड्राइव सिलेक्ट करता हूँ। मेरा सी ड्राइव में मेरा OS है और डी ड्राइव जो है मेरा MT, तो मैं इसे डी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर डी ड्राइव मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ ओके पर क्लिक करता हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से ओके बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको साइज़ पूछेगा, तो आप यहाँ पर 8 GB भी चूज़ कर सकते हैं और 16 GB भी चूज़ कर सकते हैं। तो 16 GB रिकमेंडेड है, तो मैं 16 GB सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। हमें यहाँ पर सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ रिबूट नाउ पर क्लिक करता हूँ। इसे रिस्टार्ट होने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप विंडोज भी स्टार्ट कर सकते हैं और रिमिक्स ओएस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रिमिक्स ओएस सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। ये जो रिमिक्स ओएस है वो स्टार्ट होने के लिए फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगी, मुझे 2 या 3 मिनट का टाइम लगा। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा या फिर कम टाइम भी लग सकता है, ये आपका सिस्टम का ऊपर डिपेंड है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिमिक्स ओएस है वो स्टार्ट हो चुका है। हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी, जैसे कि हमें यहाँ पर लैंग्वेज चूज करनी होगी और यहाँ पर एग्री कर देता हूँ। उसके बाद वाईफाई सेटअप जो है इसे मैं स्किप कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट। यहाँ हमारा रिमिक्स ओएस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर ओपन करके आप इसमें जो भी एंड्रॉयड के ऐप या फिर गेम्स है वो आप इजीली इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह आप आपका पीसी या फिर लैपटॉप में रिमिक्स ओएस जो है वो इंस्टॉल करके आपका पीसी को आप एंड्रॉयड बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।